नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। ये खबर डेडियापाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर आज आयुष मेले और साथ ही आयुष इलाज कैंप का आयोजन हुआ था। दरअसल गुजरात सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग के नियामक आयुष की कचहरी गांधीनगर और साथ ही नर्मदा जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया के मार्गदर्शन के तहत जिला पंचायत की आयुर्वेद शाखा और सरकारी आयुर्वेद अस्पताल राजपिपला ने मिलकर आयुष इलाज कैंप का आयोजन करवाया था। इसके साथ ही आयुष मेले का भी आयोजन हुआ। जिला पंचायत के प्रमुख परिषाबेन वसावा की अगुवाई में टेढ़िया पाड़ा की श्री ए एन बारोट विद्यालय के मैदान में ये आयुष मेले और इलाज कैंप का आयोजन हुआ था, जिसके तहत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी में कई लोगों का इलाज किया गया था। नर्मदा जिला ना डेढ़िया पाड़ा खाते हर दिन हर घर आयुर्वेदिक अंतर्गत आयुष मेला नु आयोजन डेढ़िया पाड़ा खाते करवामां आव्युं। एमां आयुर्वेदिक विभाग नर्मदा जिला ना अधिकारी आरोग्य अधिकारी श्रीमती नेहाबेन परमार अने मीटिंग द्वारा खूब सुंदर आयोजन करवामां आव्युं। अत्रे 9 जेटला स्टॉल विविध स्टॉलो मूकवामां आव्या छे, कि जेमां पंचकर्म विभाग, जनरल ओपीडी, रसमसा अने स्त्री रोग अने बाळ रोग, होमियोपेथिक विभाग, योगा विभाग द्वारा पण लोकोने એની જાણકારી મળે એના માટે પણ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું। અને આ વિવિધ સ્ટોલ પર આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ આખો દિવસ ચાલનારા આ આયુષ મેળામાં લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે। ત્યારે આ સરકારશ્રીનો જે આશય છે કે આયુર્વેદિકથી લોકો માહિતગાર થાય અને એનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરે, અને એના કારણે આયુષ મેળા સમગ્ર ગુજરાતમાં જ્યારે યોજાઈ રહ્યા છે ત્યારે આજે ડેડિયાપાડા ખાતેના આયુષ મેળા પણ ખૂબ સારી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને લાભ લઈ રહ્યા છે। ખબરોં સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।